हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2021 में रिलीज हुई मूवी ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वैसे तो ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है, लेकिन टाइम टू टाइम इस मूवी में इतने राज खुलते हैं जितने मैंने आज तक किसी मूवी में नहीं देखे। आप जब इस मूवी को एंड तक देखेंगे तो आपका दिमाग भी मेरी तरह घूम जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप में से 90% लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने चैनल्स को आप सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। और आपको तो पता ही है कि इस चैनल पर हम सिर्फ मोटिवेशनल मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को क्रायोजेनिक चैम्बर में जागता हुआ देखते हैं। इस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है और ना ही उसे पता है कि वो इस क्रायोजेनिक चैम्बर में कैसे पहुंची। वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। उसके होश में आते ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे बात करता है, जिसका नाम माइलो यानी MILO है। माइलो का मतलब मेडिकल इंटरफेस लायजन ऑफिसर है। ये लड़की माइलो से अपना नाम पूछती है, लेकिन माइलो को भी इसका नाम पता नहीं है। वो माइलो को चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन माइलो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोड के बिना मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। यहाँ तक हमें लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस लड़की को इस क्रायोजेनिक चैम्बर में बंद किया है और वो इस पर लगातार नजर रख रहा है। उसकी हर एक मोमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। माइलो के साथ बात करने पर इस लड़की को पता चलता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो इस पॉड से इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल कर सकती है। ये लड़की इस क्रायोजेनिक चैम्बर से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो माइलो को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। माइलो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। पुलिस ऑफिसर इस लड़की से उसका नाम और उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन इस लड़की को ना ही अपना नाम पता होता है और ना ही अपनी लोकेशन पता होती है। वो पुलिस ऑफिसर इस लड़की से क्रायोजेनिक चैम्बर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। तभी ये लड़की उस पुलिस ऑफिसर को कंपनी का नाम और इस क्रायोजेनिक चैम्बर का मॉडल नंबर बताती है। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये लड़की माइलो को अपना DNA टेस्ट करने के लिए कहती है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद माइलो इस लड़की को बताता है कि उसका DNA एक लड़की के साथ 100% मैच होता है। इस लड़की का नाम डॉक्टर एलिजाबेथ हैंसन है और वो एक क्रायोजेनिक साइंटिस्ट है। और यहाँ पर इस लड़की को अपनी आइडेंटिटी पता चलती है। तभी इस लड़की को वापस पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो बताता है कि हमने इस क्रायोजेनिक चैम्बर को बनाने वाली कंपनी में कॉल किया था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस चैम्बर को 3 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर वो लड़की पूरी तरह से निराश हो जाती है और तभी उसे विजन्स आने लगते हैं, जिनमें वो एक आदमी को देखती है। एलिजाबेथ इस आदमी को नहीं जानती थी, इसलिए वो माइलो से अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने के लिए कहती है, जिसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम लियो है और लियो के साथ उसकी शादी हो चुकी है, यानी लियो उसका पति है। थोड़ी और रिसर्च के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि जिस क्रायोजेनिक चैम्बर में वो अभी बंद है, उसे दरअसल एलिजाबेथ ने ही बनाया है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस क्रायोजेनिक चैम्बर में कैसे पहुंची। एलिजाबेथ को पता चलता है कि इस क्रायोजेनिक चैम्बर का ऑक्सीजन लगातार खत्म हो रहा है। माइलो उसे बताता है कि इतनी ऑक्सीजन पर एलिजाबेथ सिर्फ 1 घंटे के लिए जिंदा रह सकती है। माइलो एलिजाबेथ को बताता है कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण एलिजाबेथ एक दर्दनाक मौत मरेगी, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसे एक आरामदायक मौत दे सकता है। वो उसे एक जहरीला इंजेक्शन दे सकता है, लेकिन एलिजाबेथ इससे मना कर देती है। एलिजाबेथ माइलो से उसके हस्बैंड को कॉल लगाने के लिए कहती है। माइलो कॉल लगाता है और उस कॉल का जवाब एक लड़की देती है। एलिजाबेथ उस लड़की को बताती है कि उसे अपने हस्बैंड लियो से बात करनी है। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और एलिजाबेथ को बताती है कि दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करना। इसके बाद एलिजाबेथ उस क्रायोजेनिक चैम्बर को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम हो जाती है। उस क्रायोजेनिक चैम्बर का दरवाजा नहीं खुलता। वहीं दूसरी तरफ उसका ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रहा था। तभी एलिजाबेथ को फिर से उसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो एलिजाबेथ को बताता है कि तुम अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कि नहीं, मैं अपने पति के साथ रहती थी, उसका नाम लियो है। वो पुलिस ऑफिसर एलिजाबेथ से कहता है कि हम जल्द ही तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लेंगे। लेकिन तभी एलिजाबेथ रियलाइज करती है कि उस पुलिस ऑफिसर के पास और भी कोई खड़ा है, जो पुलिस ऑफिसर को ये सब कहने के लिए फोर्स कर रहा है। इसलिए एलिजाबेथ उस पुलिस ऑफिसर की कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है
और माइलो से फिर से अपना प्रोफाइल चेक करने के लिए कहती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि कुछ देर पहले जो उसने डेटा देखा था वो सब कुछ डिलीट हो चुका है। वो डेटा पूरी तरह से इंटरनेट से गायब हो चुका है और यहाँ पर एलिजाबेथ को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसके बाद उसे लगातार अपने पति के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उसका पति किसी बीमारी का शिकार हो चुका है। तभी एलिजाबेथ को फिर से अपने पति के नंबर से कॉल आता है और अब की बार भी वही औरत बात करती है। वो एलिजाबेथ को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम कौन हो, कहां से हो और तुम क्रायोजेनिक चैम्बर में कैसे पहुंची, मुझे सब कुछ पता है। लियो सच में तुम्हारा पति है, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह से निराश हो जाती है। तभी वो औरत कहती है कि मुझे उस क्रायोजेनिक चैम्बर के एडमिनिस्ट्रेटर कोड्स भी पता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि मुझे जल्दी से वो कोड्स बताओ, मैं इस क्रायोजेनिक चैम्बर से बाहर निकलना चाहती हूँ। तभी वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोड्स बता दूंगी, लेकिन तुम इस क्रायोजेनिक चैम्बर से बाहर मत निकलना। जैसे ही तुम इस चैम्बर से बाहर निकलोगी तभी तुम्हारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि तुम अर्थ पर नहीं हो बल्कि तुम अंतरिक्ष में घूम रही हो। एलिजाबेथ उस लड़की से पूछती है कि मैं अंतरिक्ष में क्यों हूँ। तभी वो लड़की उसे बताती है कि दरअसल धरती पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसे धरती पर पूरी आबादी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसलिए हमने एक मिशन शुरू किया जिसमें तुम्हें अंतरिक्ष में जाकर एक ऐसा ग्रह ढूंढना है जिस पर अभी भी इंसानी आबादी को बढ़ाया जा सकता है। इस ग्रह पर पहुंचने के लिए तुम्हें 34 साल लगने वाले थे, लेकिन तुम वक्त से पहले ही जाग गई और अब तुम्हारी जान कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वो पुलिस वाला भी तुम्हें बातों में उलझा रहा था ताकि तुम्हारी ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाए और तुम मारी जाओ, लेकिन अभी भी एक तरीका है जिससे तुम अपनी जान को बचा सकती हो। इसके लिए तुम्हें फिर से हाइबरनेशन स्लीप में जाना होगा। और इसी के साथ उस लेडी का कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर एलिजाबेथ को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जिनमें वो देखती है कि उसका पति भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और उसी वायरस के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तभी एलिजाबेथ को पता चलता है कि उनके सफर के दौरान उसके चैम्बर का एक प्रोसेसर खराब हो गया था, वो ओवरहीट हो गया था और उसी वजह से वो हाइबरनेशन स्लीप से जाग गई। वो माइलो से उस प्रोसेसर को ठीक करने के लिए कहती है। माइलो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन हर बार वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाता है। यानी अब एलिजाबेथ फिर से हाइबरनेशन स्लीप में नहीं जा सकती। कुछ देर बाद उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा और वो यहीं पर मारी जाएगी। इसी वजह से उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है, वो रोने लगती है। फोन पर जिस औरत के साथ उसकी बात हुई थी उस औरत ने एलिजाबेथ को वो कोड्स बता दिए थे। वो कोड्स एलिजाबेथ माइलो को बता देती है और चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहती है ताकि वो सुसाइड कर सके और एक दर्दनाक मौत मरने से बच सके। लेकिन जैसे ही माइलो दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू करता है तभी एलिजाबेथ को फिर से अपने हस्बैंड के विजन्स आने लगते हैं। वो माइलो से कहती है कि मुझे इस पॉड से बाहर देखना है। तभी माइलो उसके सामने लगे स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट बना देता है, जिसके बाद एलिजाबेथ देखती है कि वो इस स्पेसशिप पर अकेली नहीं है बल्कि उसके अलावा यहाँ पर 10,000 पॉड्स हैं, जिनमें उसी की तरह लोगों को रखा गया है। माइलो से उसे पता चलता है कि उसका पति लियो भी इन्हीं पॉड्स में से एक पॉड के अंदर है, लेकिन किसी चीज के साथ टकराने की वजह से इस स्पेसशिप पर बहुत सारे पॉड्स डैमेज हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। माइलो उन सभी पॉड्स का डेटा एलिजाबेथ के सामने लगे हुए स्क्रीन पर ले आता है, जिसके बाद एलिजाबेथ उन्हें एक एक करके चेक करती है और अपने पति लियो को ढूंढती है। लेकिन 10,000 पॉड्स में अपने पति को ढूंढना इतना आसान नहीं था और तभी एलिजाबेथ को उसके पति का नंबर याद आता है। वो उसी नंबर का पॉड चेक करती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड लियो को देख पाती है। लियो अभी भी सही सलामत होता है, जिसके बाद एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे सारा खेल समझ आ जाता है। वो धरती पर जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रही थी। दरअसल एलिजाबेथ ने धरती पर बहुत सारे चूहों को एक मेज में डाला था, जिनमें से सिर्फ एक ही चूहा उस मेज से बाहर आ पाया था। और इसके बाद एलिजाबेथ ने उस चूहे के बहुत सारे क्लोन्स बनाए थे और उन क्लोन्स के अंदर उसी चूहे की यादें डाल दी थी और उन यादों के सहारे वो सभी क्लोन्स एक ही झटके में उस मेज से बाहर आ जाते थे। और यहाँ पर एलिजाबेथ को समझ आ जाता है कि वो दरअसल असली एलिजाबेथ का एक क्लोन है, जिसके अंदर असली एलिजाबेथ ने अपनी सारी यादें डाल दी है। और सेम इसी की तरह उसने अपने पति लियो का भी एक क्लोन बनाया है और उसके अंदर भी लियो की यादें डाल दी हैं। इसलिए एलिजाबेथ का क्लोन भी लियो से प्यार करता है। अब उसे पता चल जाता है कि लियो अभी सही सलामत है और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वो मारी जाएगी। इसलिए वो माइलो से कहती है कि मुझे भी जिंदा रहना है,
माइलो उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें हाइबरनेशन स्लीप में जाना होगा। इसके बाद एलिजाबेथ हाइबरनेशन स्लीप में जाने की तैयारी करती है, लेकिन हाइबरनेशन में जाने के लिए उसके पॉड का ऑक्सीजन 2% होना चाहिए, लेकिन अब उसका ऑक्सीजन 1% से भी कम हो जाता है, यानी अब वो किसी भी हाल में मारी जाएगी। लेकिन तभी उसे अचानक से ख्याल आता है और वो माइलो से पूछती है कि इस स्पेसशिप के अंदर कितने पॉड्स ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। माइलो उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम उन पॉड्स के ऑक्सीजन को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। माइलो कहता है कि हाँ, इसके लिए रास्ता है, लेकिन पहले तुम्हें हाइबरनेशन स्लीप में जाना होगा। जिसके बाद एलिजाबेथ हाइबरनेशन स्लीप में चली जाती है और उसके स्लीप में जाने के बाद ही उस पॉड के अंदर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है और उनका सफर भी इसी तरह से चालू रहता है। और यहाँ सीन कट होकर एक प्लेनेट पर खुलता है जहाँ पर हम लियो को देखते हैं। लियो के पास एलिजाबेथ भी होती है, यानी अब वो उस प्लेनेट पर पहुँच चुके हैं और दोनों उस प्लेनेट पर पहुँच कर एक हो चुके हैं। दोनों हमें खुश दिखाई देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारी